أقول وبالله التوفيق، الحمد لله الإله الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه وأمره، ولا ند له في عبادته وذكره، الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हमारी किताब अल उसूल सित्ता, यानी कि छह उसूल, जो कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की किताब है, जिसके अंदर उन्होंने दीन इस्लाम के छह उसूल बयान किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हम दो लेक्चर्स के अंदर चार उसूल को कवर कर चुके हैं, तो आज हम जो पांचवा उसूल है और छठा उसूल है, इन दोनों सूरों को पढ़कर इस मुख्तसर किताबचे को मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जी पांचवें उसूल की तरफ। अल असलुल खामिस, इमाम साहब फरमाते हैं पांचवी असल, जो फिफ्थ बेसिक है, वो क्या है? बयानुल्लाह सुब्हानहु लिअउलियाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने औलिया को बयान करना, जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की औलिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बारे में बयान कर दिया। अच्छा, ना सिर्फ बयान किया बल्कि वह तफरीकुहु बैनहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दरमियान फर्क कर दिया, वह बैनल मुतशब्बिहीन बिहिम, और उनके दरमियान जो उनसे मुशाबत इख्तियार करते हैं, मिन अदा इल्ला, अल्लाह के दुश्मनों में से, अल मुनाफिकीना, जो मुनाफिकीन है, वल फुज्जार, या इंतहाई गुनागार है। मुनाफिक की जमा मुनाफिकीन और फाजिर की जमा फुज्जार, गुनागार इंसान को कहते हैं, जो गुनाहों में डूबा हुआ होता है। तो पांचवी असल आप समझ गए होंगे, अहम तरीन असल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी औलिया के बारे में बयान कर दिया कि अल्लाह की औलिया कौन है। ना सिर्फ ये बयान कर दिया बल्कि अल्लाह ने इसके साथ साथ अपने औलिया के दरमियान और जो अल्लाह के दुश्मन हैं, लेकिन अल्लाह के औलिया का रूप धारे हुए हैं, मुतशब्बिहीन है बिहिम, यानी के बिल औलिया, औलिया के साथ मुशाबत इख्तियार करने वाले हैं, लेकिन है वो अल्लाह के दुश्मन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों के दरमियान फर्क कर दिया। तो याद रखिएगा, ये जो औलिया और रहमान है और औलिया उस शैतान है, शैतान के दोस्त और रहमान के दोस्त, इन दोनों के दरमियान फर्क का जानना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया की शान को भी बयान किया और अल्लाह ने इनके दरमियान और इनके दरमियान फर्क को भी वाजे कर दिया। तो देखिए, आज हम में से, खासकर अवाम में से बहुत से लोग किसी को अल्लाह का वली समझ बैठते हैं, हालांकि उसका विलायत से, अल्लाह की दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बेसिकली ये जो आपकी असल है अल असलुल खामिस, ये बयान करने जा रही है कि अल्लाह के औलिया कौन होते हैं, अल्लाह के औलिया की पहचान को क्या होती है। देखिए, बहुत से लोग हैं, या वो अपने बारे में दावा करते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, या फिर वो दूसरों के बारे में दावा करते हैं कि वो अल्लाह का वली है। तो आज के इस लेक्चर से मुझे और आपको यह पता चलेगा कि अल्लाह के हकीकी औलिया कौन होते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो बयान कर दिया अल्लाह के औलिया कौन है। ना सिर्फ ये बयान किया बल्कि अल्लाह ने यह भी बता दिया कि उनके दरमियान और अल्लाह के दुश्मनों के दरमियान फर्क क्या है। जो अल्लाह के दुश्मन है, मुनाफिकीन या फुज्जार है, लेकिन औलिया की शक्ल में है, उन जैसा बनने वाले हैं, मुशाबत इख्तियार करने वाले हैं, लेकिन है वो वली नहीं बल्कि वो मुनाफिक या फाजिर में से।
तो इमाम साहब फरमाते हैं वयकफी फी हादा आयतु मिन सूरत आले इमरान, सूरत आले इमरान की एक आयत इस बारे में काफी है। वहिया और वायद क्या है, कौलहू अल्लाह ताला का ये फरमान सूरत आले इमरान की आयत नंबर 31, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, कह दीजिए इन कुंतुम अगर तुम हो तुहिब्बून अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करते फत्तबिउनी तो मेरी इत्तिबा करो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो तो क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो आयते करीमा से क्या पता चला, मतलब ये कि जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो तुम अल्लाह की औलिया बन जाओगे। तो इस आयते करीमा से अल्लाह के औलिया की सबसे पहली निशानी पता चली और वो ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि किस चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। तो याद रखिएगा हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। देखिए ना, मोमिन पैदा होता है, पैदाइश से लेकर वफात तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला होता है। कैसे, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मुझे और आपको क्या फिक्र होती है, तो कि इसके के कान में हमने आजान देनी है। क्या देनी है जी, आजान। तो ये आजान किसकी इत्तिबा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। उसको घुट्टी देनी है, ये किसकी इत्तिबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। सातवें दिन हमने उसका अकीका करना है, उसके सर के बाल मुंडवाने हैं, उसका नाम रखना है, ये किसकी इत्तिबा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। फिर पूरी जिंदगी वो इत्तिबा करता है, अकाइद के अंदर भी, इबादात के अंदर भी, अखलाकियात के अंदर भी और मुआमलात के अंदर भी, इन चारों चीजों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है। यहां तक कि उसकी मौत का वक्त आ जाता है, उसको चरपाई पर रखा जाता है, जनाजा अदा किया जाता है। अब ये जनाजा अदा कैसे करना है, चार तकबीरात कहनी है, ये किसकी इत्तिबा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज जनाजा के बारे में बतलाया। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। दूसरी तकबीर के बाद, तीसरी के बाद, चौथी के बाद, फिर कब्र में उतारना है, कब्र कैसी होनी चाहिए, कब्र में उतारने की दुआ क्या है, कब्र में उतार कर फिर क्या दुआ मांगनी है उसके लिए। अल्लाहु अकबर। तो पता चला कि मैं और आप अपनी पैदाइश से लेकर मरने के बाद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के मोहताज हैं। तो देखो, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो फायदा क्या होगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो मतलब तुम अल्लाह की औलिया में से हो। ओ वली यही तो होते जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे, अल्लाह उसको अपना दोस्त बना ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ये पहली आयत थी जी अल्लाह की औलिया की पहचान में। नंबर दो, व आयतुन फी सूरतिल माईदा, और सूरतुल माईदा की यह आयत करीमा, वही कौलहू, और वो अल्लाह ताला का ये फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से फिरा, मुर्तद हुआ, फसौफ़ यातिल्लाहु बिकौमिन, तो अल्लाह अनकरीब एक ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम, वो कौम अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, व युहिब्बुनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तो पता चला दीन इस्लाम से नहीं फिरना, ये अल्लाह की औलिया की निशानी है। किसी हालत के अंदर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ना। जो कोई तुम में से दीन इस्लाम से पलटा तो फिर अल्लाह तुम्हें ले जाएगा,
फिर अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, यानी कि वो अल्लाह के औलिया होंगे। तो क्या निशानी है? दीन इस्लाम से ना पलटना। एक हदीस सुनिए इस आयत को समझने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने ईमान के जायके को चख लिया जिसके अंदर ये तीन औसाफ हुए, ज़ाका तअमल ईमान, उसने ईमान के जायके को चख लिया। नंबर एक, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैही मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाकी तमाम लोगों से ज्यादा महबूब हों। जिसके ईमान में ये कैफियत हुई ना कि अल्लाह और उसके रसूल उसके यहां सबसे ज्यादा महबूब है, पसंदीदा है, उसने ईमान के जायके को चख लिया। नंबर दो, वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, किसी बंदे से मोहब्बत करे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, कोई शहवात की मोहब्बत ना हो, शुबहात की मोहब्बत ना हो, लालच ना हो, दुनियावी मफाद ना हो, बल्कि उसकी मोहब्बत का जो महवर है, मरकज है, वो अल्लाह की जात हो कि मैं अपने इस मुसलमान भाई से इसलिए मोहब्बत करता हूं ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह की जात के लिए मोहब्बत करता हूं, कोई लालच नहीं इससे। अल्लाह, तो जिसके ईमान में ये चीज हुई ना कि वो अल्लाह के मोमिन बंदों से मोहब्बत करता हो, उसने ईमान के जायके को चख लिया। और नंबर तीन जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है, और वो क्या है? वो ये है कि वह अन यकरहा अन यऊद फिल कुफरी कमा यकरह अन युक्तफा फिन नार, इस्लाम लाने के बाद कुफर में जाना ऐसे नापसंद करे जैसे कि वो ये नापसंद करता है कि उसको उठाकर आग में डाल दिया जाए। बताइए, क्या कोई ये पसंद करता है कि उसको आग में फेंक दिया जाए? कोई भी पसंद नहीं करता। तो याद रखिए, ये बंदा भी कुफर में जाने को ऐसे नापसंद करते है जैसे आग में जाना है। तो जिसके ईमान में ये चीज हुई, उसने ईमान का जायका चख लिया। तो याद रखिएगा, अल्लाह के औलिया दीन इस्लाम से पलटते नहीं है। अच्छा, अब यहां पर याद रखिएगा, कोई बंदा ये कह सकता है जी कि मैं तो दीन इस्लाम से नहीं पलटता। शायद कि कोई शख्स ईमान के एतबार से, अकीदे के एतबार से ना पलटता हो, लेकिन अमल के एतबार से वो दीन इस्लाम से पलट जाता हो। अमल के एतबार से क्या मतलब? अमल के एतबार से मतलब ये है कि जब उसे चूज करना पड़े इस्लाम में से और किसी कुफरिया अमल में से, कोई भी ऐसी चीज जो कुफर की तरफ बुलाने वाली है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे कुफर लाजिम आ जाता है या कुफरिया अमल है, जब भी उसे इन दोनों में से चूज करना पड़े तो वो हमेशा दीन इस्लाम को और इस्लाम के तरीके को मुंतखब करे। तो याद रखिएगा, ना सिर्फ अकीदे के एतबार से इस्लाम से ना पलटना, बल्कि अमल के एतबार से भी इस्लाम से ना पलटना। यह है अल्लाह के औलिया की दूसरी निशानी। अब चलते हैं जी अगली आयत करीमा की तरफ। वह आयतुन फी यूनुस, और सूरत यूनुस की यह आयत, वह यह कौलुहु, और वो अल्लाह ताला का ये फरमान है, दो आयात 62 और 63, अला इन्ना उलिया अल्लाही, जान लो, खबरदार, मुतनब्बे हो जाओ। ये जो अला होता है ना, ये मुतनब्बे करने के लिए आता है, अटेंशन के लिए। इन्ना उलिया अल्लाही, बेशक जो अल्लाह के उलिया है ना, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह की औलिया तो वो है कि ना उन्हें कोई खौफ होता है ना गम होता है। तो याद रखिएगा, खौफ और हुजन, इन दोनों में क्या फर्क है? खौफ होता है मुस्तकबिल का, आने वाले वक्त का, और हुजन गम होता है गुजरे हुए वक्त का। तो ये जो है ना अल्लाह की औलिया,
ना इन्हें कोई खौफ है ना इन्हें गम है। क्या मतलब? मतलब ये कि माजी में इनके अमाल अच्छे थे तो इन्हें उन पर कोई पछतावा नहीं है, गम नहीं है, और चूंकि माजी में अमाल अच्छे थे तो फिर मुस्तकबिल का खौफ भी नहीं है। अच्छा, ये कौन लोग हैं? औलिया अल्लाह। फरमाया इनकी दो निशानियां बयान हुई आयत करीमा में, अल्लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और वो तकवा इख्तियार करते थे, जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते थे। तो गोया के इस आयते करीमा में अल्लाह के औलिया की मजीद दो निशानियां बयान हो गई, और वो क्या है? ईमान और तकवा। तो इमाम साहब ने तीन आयात को जिक्र करके अल्लाह के औलिया की चार निशानियों को बयान कर दिया, ताकि मुझे और आपको कहीं औलिया अल्लाह और औलिया उस शैतान के पहचानने में कोई धोखा ना हो। तो ये चार निशानियां कौन सी है अल्लाह के औलिया की? सबसे पहली निशानी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं। दूसरी निशानी, इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिरने का तसव्वुर भी नहीं करते। तीसरी निशानी, ईमान लाते हैं। और चौथी निशानी, अल्लाह से डरते हैं, तकवा। ये चार निशानियां जी अल्लाह की औलिया की। अब देखिए, होना तो ये चाहिए था कि जिस इंसान के अंदर ये निशानियां पाई जाए, हम उसके बारे में कहेंगे कि बड़ा वलीउल्लाह है, बड़ा अल्लाह का दोस्त है, ईमान बड़ा मजबूत है, अल्लाह से डरने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला है, और दीन इस्लाम को हर बात में तरजीह देने वाला है, फौकियत देने वाला है। लेकिन इमाम साहब क्या अफसोस कर रहे हैं? और जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये जो किताब आप पढ़ रहे हैं, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले से ज्यादा अरसा हो गया इसको लिखे, तकरीबन 300 साल या उससे ज्यादा का अरसा। तो इमाम साहब ये उस वक्त की बात कर रहे हैं। अगर वो आज के हमारे इस जमाने को देख लें, फरमाए सुम मसार अल अमरु, फिर मामला हो गया, क्या हो गया? इंदा अक्तरी, अक्सर के नजदीक, मैं यद्दई इल्म, जो इल्म का दावा करते हैं, इल्म के मुद्दईयान में से अक्सर के नजदीक मामला क्या हुआ? वह अन्नहु मिन हुदातिल खल्क व हुफादिश शरई, हालांकि वो अल्लाह की मखलूकात में से हिदायत देने वाले हैं, लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं, शरीयत के हुफाज में से है, मतलब उन्हें दीन इस्लाम की बहुत सी बातें याद भी हैं। उनके नजदीक मामला क्या हुआ? इला अन्न लौलिया, मामला यहां तक पहुंच गया कि जो औलिया है ना, ला बुद्दा फीहिम मिन तर्क इत्तिबाए रुसुल, अल्लाह का वली वो होता है जो रसूलों की इत्तिबा से जितना दूर हो, रसूलों की इत्तिबा को जो तर्क कर दे, छोड़ दे। वमन तबीअहुम, और जिसने रसूलों की इत्तिबा की, फलैसा मिनहुम, वो उनमें से नहीं है। मुझे और आपको शायद ये बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज रखे ऐसे अकायद से, ऐसे नजरियात से, ऐसे तसव्वुरात से जो बाज लोगों के नजदीक है। और ये लोग ये नहीं कि कोई जाहिल है, मतलब इल्म रखने वाले हैं, कुरान मजीद को भी जानते होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को भी जानते होंगे। आप उनसे जाकर ये पूछिए, आप अगर आप ये दावा करते हैं आप अल्लाह के करीब करने वाले हैं, आप खुद से नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहे? यकीन जानिए, आप इन बाज ऐसी जगह जहां पर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाता है, आप ऐसी जगहों पर जाकर देखिए, 95% लोग आपको वहां बेनमाजी दिखाई देंगे, कब्र के सामने झुके हुए होंगे, मस्जिद के अंदर अल्लाह के सामने झुकना गवारा नहीं करेंगे, तहारत का कोई ख्याल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया पाक साफ रहने का, वुजू करने का, नमाज के लिए कोई तहारत का ख्याल नहीं। शायद के उन्हें कितने हफ्ते गुजरे हों
गुसल या नहाने या तहारत के करीब वो ना गए हो। आप जरा उनसे पूछिए क्या है, वो कहेंगे जी हम किसी और रास्ते पर हैं और आप किसी और रास्ते पर हैं। यकीन जानिए मेरे पिछले दिनों की बात है, अभी शायद चंद हफ्ते नहीं गुजरे, मैंने एक शख्स की इसलाह करने की कोशिश की उसके चंद गुमराह कुन नजरियात से, तो उसने मुझे यह कहकर बात को फेरा कि देखें आप शरीयत के रास्ते पर हैं और हम तरीकत के रास्ते पर हैं, तो आप मुझे शरीयत के दलाइल दे रहे हैं हालांकि मैं तो किसी और रास्ते पर हूं, नाउज बिल्ला मैं भी अल्लाह तक पहुंचना चाहता हूं, आप भी अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, आपका और रास्ता है मेरा और रास्ता है, आप नमाज रोजे के जरिए पहुंचना चाहते हैं और हम जो है ना अल्लाह की औलिया को राजी करके अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक, नाउज बिल्ला मिन ज़ालिक। यकीन जानिए कि उम्मत के अंदर ऐसी सोच फिक्र मौजूद है। यानी क्या मतलब, सहाबा किराम जो है वो मस्जिद नबी में नमाजी अदा करने आते, तहारत का ख्याल रखा करते, क्या वो कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था अल्लाह तक पहुंचने का कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ी? तो लोगों ने यह समझ लिया कि अल्लाह की औलिया वो होते हैं जो अल्लाह के रसूलों की इत्तिबा को छोड़ने वाले हों, जो किसी और रास्ते पर चले, ये है जी अल्लाह का वली। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि इमाम साहब फरमा रहे हैं वला बुद्ध मिन तर्किल जिहाद, जिहाद का छोड़ना भी लाजिम है। फमन जाहदा, जिसने जिहाद किया, फलैसा मिन्हुम, तो वो भी औलिया में से नहीं है। वला बुद्ध मिन तर्किल ईमान व तक्वा, ईमान और तकवे का छोड़ना भी लाजिम है। फमन ताअहदा बिल ईमान व तक्वा, जो ईमान और तकवा के रास्ते पर चला, फलैसा मिन्हुम, तो वो भी उनमें से नहीं है। आप उन्हें जाकर कहिए अल्लाह से डरिए, नमाज अदा कीजिए। उनमें से बाज ये कहते हैं कि देखें नमाज को कायम करने हमने अपने दिल के अंदर कायम की हुई है, आप लोग नमाज को पढ़ रहे हैं हमने कायम की हुई है, नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी क्या मतलब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शदीद बीमारी के अय्याम में भी नमाज को अदा कर रहे हैं, इतने सख्त बीमार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर कंधे के सहारे देकर मस्जिद में लाया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक उठाए नहीं जा रहे, जमीन पर घिसट रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को अदा कर रहे हैं। और कोई उठकर ये कहे जी मैं नमाज को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने दिल में कायम की हुई है, नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इमाम साहब क्या फरमाते हैं, या रब्बना, ए हमारे रब, नसअलुकल अफ्व वल आफिया, हम तुझसे मुआफी का और आफियत का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, हम तुझसे आफियत का सवाल करते हैं, हमें ऐसे अकाइद नजरियात तसव्वुरात बिदआत से अल्लाह आफियत अता करना, हमें अल्लाह बचा के रखना। इन्नका समीउद दुआ, बेशक अल्लाह तू दुआ को सुनने वाला है, ए अल्लाह बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। तो ये थी जी आपकी अल असलुल खामिस, अहम तरीन असल। दोबारा जब हम इंशाल्लाह इन पांच छह उसूल की रिवीजन करेंगे आज के सेशन के आखिर पर, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इस असल की तरफ आएंगे जो पांचवी है। अब आते हैं जी आपकी इस किताब की जो आखिरी बेसिक है, आखिरी असल है उसकी तरफ, और वो है अल असलुस सादिस, छठी असल। और वो क्या है, अहम तरीन असल, रद्द शुबहत अल्लती वदअहा शैतान फी तर्क अल-कुरान वस-सुन्ना, उस शुबहे का रद्द करना जिसको शैतान ने वजा किया है कुरान और सुन्नत के तर्क करने में, उस शुबहे का रद्द जिसको शैतान ने वजा किया किसमें, कुरान और सुन्नत के तर्क करने में। वत्तबाइल आराई वल अहवाइल मुतफर्रिकतिल मुख्तलिफा, और मुख्तलिफ तरह की आरा और ख्वाहिशात की इत्तिबा के अंदर, मुख्तलिफ तरह की आरा और ख्वाहिशात की पैरवी और कुरान और सुन्नत को छोड़ने में शैतान ने जिस शुबहे के अंदर लोगों को मुबतला कर दिया, जो शैतान ने वसवसा डाल दिया, और वो वसवसा क्या है,
वो वसवसा ये है जी कि वहिया, और वो ये है कि अन अल कुरान व सुन्नत ला यारिफुहुमा इल्ला अल मुज्तहिदुल मुतलक, कि कुरान और सुन्नत का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ वो हासिल कर सकते हैं जो मुज्तहिद मुतलक हो। सिर्फ मुज्तहिद मुतलक ही कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। बताइए कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने की कोशिश की हो, कुरान मजीद को अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश की हो, और किसी ने आपको आकर रोका हो कि नहीं आप तो कुरान नहीं पढ़ सकते। हत्ता कि अगर आप अहदीस का मुताला करना चाहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, तो वो कहेंगे जी आप तो अहदीस को नहीं पढ़ सकते, आप तो कुरान को नहीं सीख सकते। कुरान को सिर्फ वो सीख सकते हैं जो मुज्तहिद मुतलक होगा। ये कहकर बहुत से लोगों को उन्होंने कुरान और सुन्नत से दूर कर दिया, ना लोग कभी कुरान के सीखने की तरफ आए ना कभी सुन्नत के सीखने की तरफ आए। सवाल करें जी आप क्यों नहीं सीखते, तो जवाब ये आएगा जी हम इसलिए नहीं सीखते कि असल में कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना तो मुज्तहिदीन का काम है, जो मुज्तहिद मुतलक है वो इनका इल्म हासिल करे। अच्छा फिर सवाल हुआ, अच्छा मुज्तहिद मुतलक कौन है, उन लोगों से सवाल हुआ मुज्तहिद मुतलक कौन है, तो जवाब सुनिए। वल मुज्तहिदु, और मुज्तहिद जो है ना, हुवल मौसूफु बिकदा व कदा औसाफन, वो कहते हैं मुज्तहिद मुतलक वो है जिसके अंदर ये कदा कदा का मतलब है ये वाले औसाफ पाए जाए। अच्छा कौन से औसाफ, लअल्लाहा ला तूजदु तामतन फी अबी बकर व उमरा, ये ऐसे असबाब है ना कि शायद ये असबाब हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो के अंदर भी ना पाए जाए। ये लोग जो लोगों को कुरान और सुन्नत से रोकते हैं, इनसे पूछिए क्यों नहीं आम बंदा कुरान और सुन्नत को पढ़ सकता, वो कहेंगे जी इसलिए नहीं पढ़ सकता कि कुरान और सुन्नत का इल्म सिर्फ मुज्तहिद हासिल कर सकते। अच्छा मुज्तहिद कौन है, तो कहेंगे जी मुज्तहिद मतलब वो है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं मुज्तहिद मतलब कौन है उनके नजदीक। कहते हैं मुज्तहिद मतलब वो है जो पूरे के पूरे कुरान मजीद का इल्म रखता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में मुकम्मल अहदीस का इल्म रखता हो, कोई हदीस उससे मख्फी ना हो, कोई आयत करीमा उससे मख्फी ना हो। हालांकि कह रही है ये जो शुरूत है ना, पूरे कुरान का इल्म रखना, पूरी सुन्नत का इल्म रखना, ये शुरू तो हजरत अबूबकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक में नहीं पाई जा रही। बोले जी ये शुरू तो उनके अंदर भी नहीं पाई जा रही, तो किस तरह से आप ये कहते हैं कि उनके अंदर ये शुरू तो होनी चाहिए, यानी इसका मतलब ये कि फिर आपकी इन शुरूत के मुताबिक अगर चले फिर तो जो उम्मत के सबसे बेहतरीन दो लोग थे हजरत अबूबकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, फिर तो वो भी मुज्तहिद नहीं होंगे, क्योंकि बाज औकात हजरत अबूबकर सिद्दीक को कोई आयत करीमा पता ना चलती, वो आकर दीगर सहाबा से पूछ लिया करते, हजरत उमर को कोई आयत ना पता चलती वो आकर दीगर सहाबा से पूछ लिया करते। तो पता चला उन्हें बहुत सी आयात थी, बहुत सी अहदीस थी जिनका इल्म उनके पास नहीं भी था, तो क्या हम ये कहेंगे वो भी मुज्तहिद मुतलक नहीं है। अच्छा फिर कहते हैं फाइल लम यकुन लिल इंसान कदालिका, अगर इंसान इस तरह नहीं है ना, मतलब मुज्तहिद मुतलक नहीं है, फल यूरिद अनहुमा, फिर वो उन दोनों से एराज करे, कुरान किताब व सुन्नत से, कुरान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दूर हो जाए, कितना दूर हो जाए, फर्दन हतमन ला शक व ला इशकाल, हतमी तौर पर बगैर किसी शक और इश्काल के किताब व सुन्नत से वो दूर हो जाए, बिल्कुल इनके करीब भी ना आए। हालांकि देखें कुरान मजीद के अंदर बीसियों ऐसे मुकामात हैं जो आम बंदे की समझ में आने वाले हैं, अकाइद हैं, ईमानियात हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं। हाँ अगर कुरान की कोई आयत नहीं समझ में आ रही तो वो उलमाए किराम से पूछ लें,
लेकिन इसका ये मतलब कतान नहीं है कि आप आम बंदे को ये कहेंगे जी आप तो कुरान समझ ही नहीं सकते या आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझ ही नहीं सकते। आप समझिए, जहां पर कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिए अपने से ज्यादा इल्म वाले से। फसलू अहले ज़िक्री, अल्लाह ने खुद हुक्म दिया इल्म वालों से पूछो, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम इल्म नहीं रखते, अगर तुम्हें नहीं इल्म तो इल्म वालों से जाकर पूछ लो, रहनुमाई हासिल कर लो। सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, एक दूसरे के पास जाते सीखने के लिए, तबईन सहाबा के पास आते, तबा तबईन तबईन के पास आते, लोग आइमा मुहदिसीन फुकहा के पास आते दीन के बारे में सीखने के लिए, पूछने के लिए। तो अगर ये वाला असूल होता ना कि जी आप कुरान और सुन्नत को नहीं समझ सकते जब तक कि आप इस इल्म को हासिल ना करें, आपके अंदर ये वाली शुरूत ना पाई जाए, अगर ये वाली बात होती ना तो फिर उम्मत के अंदर कोई भी नहीं है जिसके अंदर वो शुरूत पाई जाती। मजीद क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट लाइन मजीद कहते हैं, वमन तलबल हुदा मिनहुमा, जिसने किताबो सुन्नत से हिदायत को लिया, फहुवा इम्मा ज़िंदीकुन व इम्मा मजनूनुन, तो या तो वो शख्स ज़िंदीक होगा या वो शख्स मजनू होगा। ज़िंदीक बेदीन किस्म के इंसान को कहते हैं, मजनू जिसकी अकल माऊफ हो जाए उसको कहते हैं। तो कहते हैं जो किताबो सुन्नत से हिदायत को लेने वाले हैं ना, या वो ज़िंदीक हैं या मजनू हैं। क्यों, ली अजली सुरूबति फहमीमा, क्योंकि इन दोनों का समझना बड़ा मुश्किल है। तो एक आम इंसान कैसे समझ सकता है इन दोनों को, नहीं समझ सकता तो फिर किताबो सुन्नत के करीब भी नहीं जाना चाहिए। समझ आई आपको छठी असल। तो इमाम साहब फरमा रहे हैं, फसुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ, कम बयन अल्लाह सुबहानहु शरअन व कदरन खल्कन व अमरन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बयान किया शरई तौर पर भी, कदरी तौर पर भी, तकदीर के तौर पर भी, तखलीक के तौर पर भी, मामले के तौर पर भी, अल्लाह ने हर तरह से बयान कर दिया। फी रद्दी हादी शुबहतिल मलऊना, ये जो काबिले मुजम्मत शुबहा है कि जी आम बंदा नहीं समझ सकता, तो देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर खोल खोल कर हर एतबार से इस शुबे के रद्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया। मिन वजूह शत्ता, कई एक एतबारात से, शत्ता का मतलब है मुख्तलिफ, कई एक तरीकों से, बलगत, इतने तरीकों से कि ये तरीके पहुंच चुके हैं, इला हद ज़रूरियात आमा, आम जरूरत की, जो मतलब एक ज़रूरियात आमा उसको कहते हैं जिससे छुटकारा मेरे और आपके बस में नहीं है, मतलब मैं और आप उसका इनकार नहीं कर सकते, हर हाल में हमें वो मानना पड़ेगा। तो इमाम साहब फरमा रहे हैं, देखें ये जो शुबह है ना कि जी आम इंसान कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ सकता, इस शुबह के रद्द के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने तरीकों से बयान किया ना कि ये जरूरियात आमा तक पहुंच चुका है, मतलब उस हद तक पहुंच चुका है कि मैं और आप इसका इनकार नहीं कर सकते, इसको डिनाई नहीं कर सकते। बोला कि ना अक्सर ना सिला आलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। और फिर इमाम साहब ने अपनी बात की इस बात के लिए सूरत यासीन की आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक को जिक्र किया, और वो क्या है, लकद हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम, उनके अक्सर पर बात साबित हो गई, फहुम ला युमिनून, और वो ईमान नहीं रखते, उनके अक्सर पर यह बात साबित हो गई कि वो ईमान नहीं लगते। इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलाला, बेशक हमने रख दिए हैं, बना दिए हैं उनकी गर्दनों में तोक, गिल उनकी जमा है अगलाल, हमने उनकी गर्दनों में तोक रख दिए हैं, फहिया इलल अज़कानी, अज़कान ठोड़ियों को कहते हैं, ये तोक उनकी ठोड़ियों तक पहुंच आए हैं, फहुम मुकमहून, और वो इन तोकों के अंदर ऊंधे मुंह किए हुए हैं,
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے, وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے, ان کے آگے بھی رکاوٹ ہے ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے, فَأَغْشَيْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں ڈانپ لیا ہے, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے, بولے اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان کے لیے کہ أَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے, آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے, انما تنذرو آپ تو بس متنبہ کیجئے آپ تو بس ڈرائیے, کس کو, من تبع ذکرہ جو ذکر کی اتباع کرے, وخشی الرحمن اور رحمان سے ڈرے, بالغیبی غیب سے, غیب میں رحمان سے ڈرے کیا مطلب, مطلب اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ اللہ سے ڈرے, فبشرہ تو اس کو خوشخبری دیجئے, بمغفرتن مغفرت کی, واجرن کریم اور عمدہ رزق کی, عمدہ اجر کی, عمدہ بدلے کی اور مغفرت کی اسے خوشخبری دیجئے جو ذکر کی اتباع کرے اور اللہ سے ڈرے, تو یہ آیت کریمہ کس چیز کی اس بات میں ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کا ان سے تقاضا کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں, تو یہ تھا جی آپ کے یہاں چھٹا اصول, چھٹی بیسک جو کہ کتاب و سنت کی اتباع میں تھی اور کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے میں تھی, ان کو سمجھنے میں بھی تھی, کوئی شخص اگر آ کر یہ شبہ ڈالتا ہے کہ آپ کتاب و سنت کو نہ سیکھیے, کیونکہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں گے, بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے گمراہ ہو جانے کا ڈر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو یاد رکھیے گا یہ شیطانی وسوسہ, تو امام صاحب فرما رہے ہیں آخرہ یہ آخری اصول تھا چھٹا, والحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, تو علماء کرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے آخر میں بھی اور اپنی کتابوں کے آخر میں بھی شروع بھی اللہ کے نام سے کرتے ہیں, اللہ کی حمد اس کی تعریف سے کرتے ہیں اور اس کی انتہا بھی اللہ کی تعریف سے کرتے ہیں, جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو ان کی سب سے آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین, تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندے بھی اپنی گفتگو کے آخر میں کیا کہتے ہیں یا اپنی کتابوں کے آخر میں کیا کہتے ہیں, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, تو امام صاحب اس سنت پر عمل کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, والحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, وصلی اللہ علی سیدنا محمد اور درود ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, وصحبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر, وسلم تسلیما کثیرا اور اللہ کی سلامتیاں ہوں بہت سلامتیاں, الی یوم الدین قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں, تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے ان تین مختصر لیکچرز کے اندر اپنے ان چھ اصولوں کو بیان کیا, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ان چھ کے چھ اصولوں کو ہم اختصار کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں کہ پہلا اصول یہ تھا, دوسرا یہ تھا, تیسرا یہ تھا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, تو ان چھ اصولوں کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں کچھ لمحات کے بعد, اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب, وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.